नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकुला के सेक्टर 11 में एक कार में युवक का शव मिलने की सनसनीखेज खबर है। सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम पंचकुला के डीएसपी विजय नेहरा, सेक्टर 5 के एसएचओ दिलीप कुमार, सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज नरेंद्र यादव, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह, सीआईए इंस्पेक्टर अमन कुमार और कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मरने वाले युवक का नाम पदम है। इसकी उम्र 36 वर्ष बताई गई है और वो यमुनानगर का रहने वाला था। वहीं दो दिन से किसी निजी काम से पंचकुला आया हुआ था। मृतक युवक पेशे से एक कंप्यूटर टीचर था। मौके पर पहुंचे डीएसपी विजय नेहरा ने बताया है कि उन्होंने शव को सेक्टर 6 के मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि व्यक्ति की मौत किन कारणों से हुई है। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। सर, एक बॉडी मिली है सर, क्या हुआ सर बताएंगे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है कि एक लावारिस जो है कार खड़ी हुई है जिसमें एक मृत व्यक्ति पड़ा है, तो उसकी सूचना पर अभी छानबीन जारी है अभी, और उसके परिवार वालों को हमने बुला लिया है। सर, किस वजह से मौत हुई और कहाँ का, क्या नाम है सर इसका? ये पदम नाम का व्यक्ति कंप्यूटर टीचर था, ये जो है डिसीज्ड, और बाकी इसकी छानबीन अभी जारी है। सर, परिवार वाले यहीं के आ चुके हैं? सर, परिवार वाले उसके आ चुके हैं, उनको सूचना दे दी गई। सर, क्या लग रहा है सर, कैसे डेथ हुई है सर? अभी कुछ लगा, कुछ तथ्य उसे पता सर? अभी तो पोस्टमार्टम और जो है मेडिकल इसका परीक्षण होगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।